महाभारत के अंतर्गत भी रस आप श्रवण करने जा रहे हैं। जयद्रथ को बचाने के लिए गुरु द्रोण कमल व्यूह की रचना करते हैं और देखिए भूरी श्रवा उस व्यूह में तैनात है। आज अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जाते हैं लेकिन बड़ी देर हो जाती है। महाराज युधिष्ठिर चिंतित हैं। तब देखिए यादव वीर जो कि पांडवों की ओर से लड़ रहे सात्यकी तो उस कमल व्यूह में जाने का आदेश देते हैं। आज सात्यकी उस व्यूह में प्रवेश करते हैं। सामना भूरी श्रवा से होता है, कौरवों की ओर से भूरी श्रवा और पांडवों की ओर से यादव सात्यकी दोनों का आमना सामना होता है। सात्यकी भूरी श्रवा संग्राम आप श्रवण करेंगे। लेकिन पता नहीं है ये सात्यकी है तुम जानते नहीं हो। बड़ा फेमस शेर है, श्रवण करेंगे। दुश्मन और दुश्मन को मारना है तो तलवार की जरूरत क्या है। बात वाले तो फकत बात में मर जाते हैं। वाह, तू अपने साथ में जो हथियार लेकर आया है जरा देख ले वो हथियार किसके हैं। क्या बात है, दूसरों की ढोल पर नगाड़े बजाने वाले वीर है तुझे पता नहीं ये तीखी शमशीर है। हम जोर से ही दुश्मन के कदमों की हर जान लेते हैं और अदावत को हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं और तबीयत घबराती नहीं तुच्छ से कायर से लड़ने से। हम मैदान में वही करते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। क्या बात है, तुम मुझसे मुकाबला कर
देखिए सत्य की क्या कहते हैं भूरी श्रवास क्या प्रस्तुति प्रकाश भैया दुबे जहां कहीं भी हो कृपया मंच के पास पहुंचे। प्रकाश भैया
पंचम सिंह जी हुई के और संतोष सिंह ने तारम खेड़ा, रूप सिंह जी पत्ते डाबरी आपकी ओर से 501 और 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। देखिए आगे क्या हुआ। क्या किया ऐसी बातें सातकी ने सुनी और देखिए पूरी सभा के तीखे वचनों का प्रहार हुआ। सातकी ने बातें सुनी फिर भूरी सभा देखिए सातकी से क्या कहने लगे। क्या
अरे बात बढ़ता है गोपियां रे चलिया।